क्या नाम हुआ सर आपका जी मेरा नाम रविशंकर कुमार है वैसे इस बार मोतिहारी जो है पहली बार नगर नि नगर निगम निगम में तब्दील हुआ है तो आप कितना एक्साइटेड है इसको लेकर और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत आ, मतलब एक... एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पहली बार सच आपने कहा कि ये नगर परिषद से नगर निगम हुआ है क्योंकि इससे पहले ये होता था कि उपमेयर और मेयर पद के लिए जो वार्ड परिषद बनते थे और उनमें पैसे की बात हो जाता था जो और जितना पैसा दे दिया उसमें से एक मेयर और उप मेयर को चुन लिया जाता था लेकिन इस बार से ये हुआ है कि मोतिहारी के आम जनता के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि आप सीधे अपने मेयर और उप मेयर को चुन सकते हैं तो ये जनता पर निर्भर करता है कि किसको चुनेंगे लेकिन ये उसी को चुनेंगे जो शिक्षित हो कर्मठ हो ईमानदार हो पढ़ा लिखा हो जिसकी प्रशासनिक संबंध मतलब ये सीधे तौर पे कहे कि जमीनी स्तर पर कार्य कर सके ये ऐसा नहीं कि जैसे कि हमारे नेता करते हैं जैसे मोदी जी ने ही बोला था पंद्रह लाख सबके खाते में आएंगे और अभी तक आया नहीं तो मोतिहारी की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा या जो भी पढ़े लिखे मेरे तरह युवा हैं अपने परिवार वाले को बताएं क्योंकि ऐसे उपमेयर और मेयर का चुनाव करना है जो कि हमारे लिए और जमीनी स्तर पर काम करे ना कि सिर्फ और सिर्फ दिखावटी हो एज ए यूथ आपको किन किन समस्याओं का जूझना पर मतलब से जूझ रहे हैं यहाँ मोतिहारी में आपके आपको कौन कौन सी समस्याएं लग रही है जिसका समाधान होना एकदम अनिवार्य ही है जिसका समाधान अभी तक हुआ ही नहीं सबसे जरूरी मैं बता दूँ कि देखिए अगर बात करें तो मोतिहारी में सब जगह नाला है लेकिन सबसे ज़्यादा देखेंगे ना तो नाला का पानी रोड पर बहता है और इतना मतलब गंदा महकता है कि जब हम वहाँ से गुजरते हैं ना हम गुजरे या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी अजन वहाँ से गुजरे तो ना कैसे बंद करके या कुछ मास्क लगा कर भागना पड़ता है जबकि मोतिहारी अगर देखा जाए तो ये हमारा चंपारण और मोहनदास करमचंद गांधी का एक सत्याग्रह आंदोलन यहाँ से हुआ था इस प्रकार भी यहाँ पर मतलब हम सही तरह से देखिए तो मोतिहारी शहर में मतलब स्वास्थ्य संबंधी इतनी गंदगी है कि इसके पहले पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो मेयर और उप मेयर बने इस पर और ध्यान दें क्योंकि गंदगी से ही बीमारी होती है और बीमारी से बचना है तो सबसे पहले गंदगी हटाना होगा तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो गंदगी है जो नाला है इसको इस गंदगी से दूर किया जाए यहाँ एक और दुकानदार भाई साहब हमें मिल चुके हैं आइए इनसे हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने क्या मत बना रखा है मेयर या उप मेयर या वार्ड परिषद हेतु सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका नाम रितेश कुमार हुआ आ, वैसे आपने क्या मत बना रखा है किस प्रकार के उम्मीदवार को देखना पसंद करते हैं हम लोग पढ़े लिखे खुद हैं और इस चीज़ को हम लोग जानते हैं भली भांति क्योंकि पढ़ा लिखा ही कोई भी आदमी इस शहर के लिए फर्स्ट बार तो इस बार मोतिहारी निगम में कन्वर्ट हुआ और इसमें निश्चित तौर पे जब निगम में कन्वर्ट हुआ तो मेयर और उप मेयर का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इस बार तो निश्चित तौर पे हम लोग मेयर के लिए तो अभी कुछ ठीक तरीक़े से डिसाइड नहीं कर पाए हैं लेकिन उप मेयर में हम लोग के लिए एक जहन में बैठा हुआ है कि इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद और हम सारे दुकानदार से लेकर के जितने भी लोग हम लोग आपस में बात करते हैं सब लोग इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद को ही एक मत दे करके उनको भारी से भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं इस बार